अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सॉफ्टवेयर ख़रीदने पड़ते हैं। आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आपको वो तमाम सॉफ्टवेयर जो आपको ख़रीदने पड़ते हैं वो फ्री में दस्तयाब होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहता चलूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस तरह की नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब आपने सिंपल क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है फुल प्रोग्राम। अब जैसे आप फुल प्रोग्राम इंदर लिखेंगे तो आपके पास ये आगे डिस्प्ले शो होगा। आपने क्या करना है, ये पहला ही जो ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे ये हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी जहां पर आपको फ्री में तमाम सॉफ्टवेयर वो जो आपको ख़रीदने पड़ते हैं यहां पर आपको तमाम फ्री में मिल जाएंगे। ये दरअसल इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो तुर्किश है, लेकिन आपने क्या करना है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तमाम मिल सकते हैं आपको सॉफ्टवेयर। ये होम पेज आ जाता है आपका, ये आपके पास आ जाता है विंडो 10 के सॉफ्टवेयर, विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 8, मतलब तमाम आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपकी विंडो है उसके हिसाब से। अब आपके जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐड चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमें IDM जो होता है वो ख़रीदना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहाँ पर उसका क्रैक मौजूद है, आप क्या कर सकते हैं इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर तीन सर्वर मौजूद हैं। पहला सर्वर है, इसको आप क्लिक कर लें। इसमें क्या होता है आपके पास तीनों सर्वर में से अक्सर जो सर्वर होते हैं वो कनेक्ट कर देते हैं, अक्सर सर्वर कनेक्ट नहीं करते। लाजम नहीं तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से हो सकता है। तो आप जैसा ये देख सकते हैं जो पहले हमने सर्वर ओपन किया था वो अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो आप क्या करें इसको बंद कर दें। सेकेंड भी आप देख सकते हैं सेकेंड भी अवेलेबल है आपके पास, और जो थर्ड वाला है वो भी आपके पास अवेलेबल है, आप क्या करें इसको भी देख लें। लेकिन जो मेरी राय है वो ये है कि आप ज़्यादातर यहाँ से क्या नाम है डाउनलोड किया करें। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं सामने आपकी क्या आ गया, डाउनलोड फॉर विंडो। आपने क्या करना है डाउनलोड विंडो पे क्लिक कर देना है और इसको कैंसिल कर देना है। अब देखिए ये आपके पास डाउनलोड है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये आपने क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जैसे कि ये देखें नीचे शो हो रहा है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वो पहले वाला आप कैंसिल भी कर सकते हैं, उसका कोई काम नहीं ज़्यादा। अब जैसे ही ये डाउनलोड होगा ये 8.7 MB का है, उसके बाद फिर मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आपसे मिलता हूँ जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड हो चुका है। अब आप क्या करें इसको क्लिक करने के बाद शो इन फोल्डर पे क्लिक करें तो ये जहाँ पर ये सेव हुआ होगा वो आपको शो कर देगा। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जिप फाइल में मौजूद है, आपने क्या करना है इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है, ये मतलब उसकी जितनी भी फाइल्स थी वो बाहर आपके पास शो हो गई हैं। अब आपने इस पर क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये क्रोम के साथ आपको इसको एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद आपको ये फ्री में अवेलेबल होगा, आपको ये ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं। अब आप क्या करें यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे ये हमारे पास
IDM का लोगो आ चुका है। अब आप क्या करें, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आप इसको यस पे क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद ये उसकी सेटिंग बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह इसको अनेबल करना है। मैं अब आपको इसको अनेबल करवा देता हूँ कि आप इसको किस तरह अनेबल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, आपने क्या करना है, उस नीचे जाने के बाद ये तीसरा ऑप्शन है न्यू एक्सटेंशन एडिट IDM, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इसको ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये IDM की एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। अब आप हम YouTube पे चले जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आप कोई भी अब इजीली मूवी या कोई भी चीज़ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्रॉस कर दीजिए आप, क्लोज ऑल टैब्स। अब ये आपके पास YouTube आ गई है। अब आप क्या करें, कोई भी वीडियो ऐड कर लें। बस आपको मैं दिखाने के लिए कि आप ये इसकी जो एक्सटेंशन है वो हर वीडियो के साथ ऐड हो जाएगी। खुद ब खुद जो भी वीडियो आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपका ये IDM का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको मुख्तलिफ पिक्सेल्स के हिसाब से 720, 480 या जो मुख्तलिफ हैं उन सब के साथ आप इसको ऐड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा IDM डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको ने ये वीडियो डाउनलोड करनी है तो आप क्या करें, उस पर क्लिक करें और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दें, तो ये क्या होगी, वीडियो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। आज अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।